ईजीटी पीजीटी की भर्तियां आ चुकी हैं, लगभग 5,000 से भी कम भर्तियों पर विज्ञापन आया है। 27,000 टीजीटी के पदों की मांग की जा रही थी और वो मांग विज्ञापन तक पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हैं, संगठन बेरोजगार संगठन है, जो भी मांग कर रहे थे, लगातार उनकी मांग जारी है और सरकार विचार भी कर रही है कि क्यों ना पदों को और जोड़ दिया जाए। इसके लिए बहुत जल्दी शासन स्तर पर एक बैठक होने वाली है। जिस तरह से अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है कि 27,000 टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, तो इन पदों को भी इनमें जोड़ा जाए, तो इसके लिए पूरा प्रयास सरकार कर रही है। सरकार ने दोबारा अध्याचन मांगा, फिर भी पूरा अध्याचन नहीं मिला, तो सरकार को अब भी ऐसी गड़बड़ी की आशंका है कि कुछ प्रबंधकों ने चाहकर अध्याचन नहीं भेजा, क्योंकि वो तदर्थ शिक्षकों के पदों को बचाकर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अध्याचन नहीं भेजा। इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जैसा लगातार सभी के ज्ञापन और वार्ता मंत्रियों से बाकी विधायकों से हो रही है, तो उससे ये निकल कर आ रहा है कि सरकार इस पर एक आगे कदम उठाने वाली है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, वो इस पर एक फैसला लेने वाला है, जिससे जो दोबारा अध्याचन मंगा कर कुछ पदों को इनमें जोड़ा जा सके। तो एक बड़ी खुशखबरी हमारे बीच किसी भी दिन आ सकती है। किसी भी दिन आयोग आदेश जारी कर सकता है कि जो पद हैं, जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, बाकी दोबारा अध्याचन भेजा जाए, और इसके लिए डीआई उसको कड़ा पत्र जारी कर सकता है। ऐसी शासन स्तर पर पूरी योजना बन चुकी है, किसी दिन भी आयोग इस पर निर्णय ले सकता है। तो साथियों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करते रहिए। पद कम जरूर हैं, लेकिन पद बढ़ेंगे और पद बढ़ेंगे तो मौका ज़रूर मिलेगा। आगे जो भी अपडेट आएगी, मैं सबसे पहले आपके पास तक लेके आऊँगा। धन्यवाद।